हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चलने लग रही है? अभी तक जो कराया क्या वो सब कुछ समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करो या फिर मेरे पास पर्सनली फ़ोन करो एंड पूछो कि सर हमें ये आ गया है, ये जो है हमें नहीं आया है। एनीवे, सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन तो कट चुका है तो आखिरी पार्ट जो है हमारा बचा हुआ है। अभी तक जो हमने देखा उसके अंदर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, हमने जो है मेंडल के बारे में पढ़ा, हमने जो है इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि करैक्टर जो है किस तरीके से ड्राइव होता है एंड जो ब्लड रिलेशन है वो किस तरीके से हम स्केच के द्वारा समझ सकते हैं एंड मेल और फीमेल में से बॉय चाइल्ड का होने का मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ड्यूरिंग द क्लास हम लिखते थे कि जो टॉल प्लांट है उसको हम क्रॉस करते हैं किसके साथ में? ड्वार्फ प्लांट के साथ। टॉल प्लांट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल टी कैपिटल टी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल टी स्मॉल टी। एंड जब भी गैमेट की बात आती थी तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट जो है कर देते थे, ठीक है जी। एंड उसके बाद जब हम क्रॉस करते थे तो एक गैमेट यहाँ से, एक गैमेट यहाँ से, एंड अल्टीमेटली ये आगे चल के एक प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी जो है वो बनी। हम इस तरीके से जो है दिखाते हैं। तो टोल अगर कोई करैक्टर है, अगर टोल कोई करैक्टर है तो वो करैक्टर आता किसकी वजह से है? वेल, वो आता है किसी ना किसी हार्मोन की वजह से। एंड जो हार्मोन है वो डेवलप होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से, कोई ना कोई उसके पीछे प्रोटीन जो है वो बना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई उसके लिए प्रोटीन जो है वो बना होगा। एंड वो प्रोटीन हो सकता है किसी ना किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा जो है वो आया हो। प्रोटीन किससे बनते हैं? आरएनए से। और आरएनए किससे डेवलप होते हैं? पर्टिकुलरली डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट जिसको हम कहते हैं जीन। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज जीन? जीन क्या है? ए स्मॉल फ्रैगमेंट, ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए डैट मेक प्रोटीन, या फिर हम कह सकते हैं इवेंचुअली इट विल मेक दी करैक्टर। सो अगर कोई टोल आया है तो वो टोल किस वजह से? क्योंकि एक पर्टिकुलर डीएनए की जीन जो है वो एक्सप्रेस हुई है। अगर किसी के ब्लैक कलर हैं तो ब्लैक कलर किस वजह से? कलर जो है वो एक करैक्टर है एंड वो करैक्टर किससे? किसी ना किसी हॉर्मोन की वजह से जो है वो ब्लैक कलर जो है वो आया है, क्योंकि पिगमेंट जो है डेवलप हुए हैं। एंड प्रोटीन जो है अल्टीमेटली किसी ना किसी जीन से या फिर किसी ना किसी अल्टीमेटली डीएनए के छोटे से फ्रैगमेंट से जो है वो डेवलप हुए हैं। सो अगर किस अगर हम अपनी बुक के अंदर देखें तो उसके अंदर भी दे रखा है कि अगर किसी के ब्लोंड हेयर है तो इसका मतलब उसकी स्मॉल बी नाम की कोई जीन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। एंड अगर किसी के ब्लैक हेयर है तो कैपिटल बी जो है उसकी जीन होगी, उसी वजह से जो कलर जो है वो डिफरेंशिएट है। तो यानी कि पर्टिकुलरली जो भी हमारी बॉडी के अंदर या फिर आसपास में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जैसे भी हमें करैक्टर दिखाई देने लग रहे हैं वो सभी रिजल्ट है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशंस का। जीन अलग एक्सप्रेस होते हैं तो अलग प्रोटीन बनते हैं एंड उस वजह से अलग करैक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटली हम इतना समझते हैं कि कोई भी करैक्टर है जो हम टाल करने लग रहे हैं तो टोल हम जो कहने लगते हैं वो क्या है? एक टाइप का फिनोटाइप है। एंड जो जीन है जिसकी वजह से ये आया है उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप जो है वो कहते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर एक अलग से टॉपिक है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ब्लड रिलेशन। तो हमारा एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन का। तो अगर करैक्टर यानी फिनोटाइप को मान ले हम, क्या मान ले? ब्लड ग्रुप मान ले। तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये किससे ड्राइव हुए होंगे? पर्टिकुलरली कोई ना कोई जीन होगी, हाँ या ना, है ना? तो अगर ब्लड ग्रुप ऐसे आए हैं तो उसके लिए उनका जीन या फिर जीनोटाइप कैसा होगा? तो उसके लिए मानते हैं कि आई एक जीन है एंड उसके लिए कोई ए
ए नाम का कोई एंटीजन होगा। जनरली जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन एक कंजुगेट प्रोटीन होता है, कंजुगेट प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के साथ में कोई मिक्स्ड हो सकता है, कोई ग्लूकोस हो या फिर हो सकता है कोई लिपिड हो, तो एक एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली हम उसको बोलते हैं ए एंटीजन। और जो ए एंटीजन है वो इस वजह से डेवलप हो क्योंकि IA नाम की जीन जो है वो प्रेजेंट होगी। जनरली हमने देखा कि जीन जो है वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हेटरोजाइगस भी हो सकती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप ऐसा भी होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है एंड उसका IO भी हो सकता है हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर। यानी ये तो हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर हो सकता है और ये जो है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हो सकता है। अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो IA जीन भी हो सकती है उसके अंदर, या फिर IA और IO जीन भी उसके अंदर हो सकती है। अगर किसी का बी है तो यानी कि बी ब्लड ग्रुप तभी आता है जब उसके पास में एक एंटीजन प्रेजेंट हो, कौन सा, बी एंटीजन प्रेजेंट हो, तो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर उसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है एंड उसका जो जीनोटाइप है वो ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब उसके पास जीन कैसी होगी, एक आई ए और एक होगी जीन आई बी की। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो यानी कि उसका जो जीन है वो IO जो है वो हो सकती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप जितने भी क्रॉस करेंगे वो इसी के बेस पर जो है वो हम करेंगे। तो फिनोटाइप आपको समझ में आ गया, जीनोटाइप जो है वो आपको समझ में आ गया एंड ब्लड के लिए कौन कौन सी जीन जो है वो आपको समझ में आ गई। तो ब्लड रिलेशन को देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन है, अगर मान लो एक पेरेंट है तो क्रॉस करने स्टार्ट करते हैं क्रॉस फर्स्ट से। मान लो कोई फादर है और एक मदर है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो मान लेते हैं क्या है, ए, मदर का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ओ, तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप जो है ये हो गई। तो ब्लड ग्रुप के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका जीनोटाइप जो है वो निकालना पड़ेगा। तो जीनोटाइप उसका क्या हो सकता है, या तो IA हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, IA और IO हो सकता है। लेट्स से मैं केवल ये ले लेता हूँ IA, इसका इसके अंदर तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं, तो इसका तो यही आ जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, गैमेट्स जो है वो बनाएंगे। गैमेट्स के अंदर IA अलग कर लिया, IA जो है वो अलग कर लिया, और इसके अंदर IO जो है ये दोनों जो है वो अलग कर लिए। उसके बाद में जैसे वहाँ पर करते थे वैसे ही करेंगे कि पहला गैमेट पहले के साथ अगर फ्यूज़ होता है तो IA IO जो है वो बन जाएगा, अगर इसके साथ फ्यूज़ होता है तो IA IO, अगर इसके साथ फ्यूज़ होता है तो IA IO, और इसके साथ अगर फ्यूज़ होता है तो IA और IO। तो इसका मतलब F1 जनरेशन यानी जो अगली जनरेशन होगी उन सभी के अंदर जीनोटाइप कैसा आने लग रहा, IA और IO। तो इसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन के अंदर जो ब्लड ग्रुप आ सकता है, यानी जो ब्लड ग्रुप है ऑफ चाइल्ड वो कैसा आएगा, वो ए ब्लड ग्रुप का ही आ सकता है। क्लियर है भाई, ओ जो है रिसेसिव है, ए जो है यहाँ पे डोमिनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मान लो एक फादर है और एक उसकी मदर है, मतलब बच्चे की मदर, और ब्लड ग्रुप ए और ओ ही मान लेते हैं। अब की बार जीनोटाइप कैसे ले लें, IA और IO का ले लें, और यहाँ पर जो है OO का जो है वो लेते हैं। गैमेट जब बनेंगे तो IO और IA, और यहाँ पे IO और IO। तो अगर ऐसी अगर कंडीशन होती है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसा आ सकता है, IA IO, दूसरा अगर क्रॉस हो तो IA IO, अगर इसके साथ हो तो IO IO, और अगर ऐसा हो तो IO IO। ये F1 जनरेशन थी। तो जो ब्लड ग्रुप है चाइल्ड का, ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, वो क्या आ सकता है, 50% ए और 50% वो आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर होमोजाइगस होता है तो प्रोबेबिलिटी कम होती है, और हेटरोजाइगस है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप होमोजाइगस का केस तभी करेंगे जब वो क्वेश्चन में पूछता हो, अगर क्वेश्चन के अंदर वो नहीं पूछता तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको कॉपी के अंदर ये दो क्रॉस जो है वो बनाने हैं, एक और दो, ये हेटरोजाइगस का केस है और ये होमोजाइगस का केस है। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। मोल्ड कैसे भी, लेट्स से एक फादर है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, IO ब्लड ग्रुप, मदर का क्या ब्लड ग्रुप है, उसका भी ओ ब्लड ग्रुप है, तो बताओ जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो IO IO हो जाएगा जीनोटाइप इसका, IO
और आई ओ, आई ओ और आई ओ। गैमेट कैसे होंगे? आई ओ आई ओ आई ओ और आई ओ। और जब अगली हम जनरेशन देखते हैं तो अगली जो जनरेशन होगी तो वो सारी कैसी आने लग रही है? सारी ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड क्या आएगा? वो ही आएगा। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, ये हमारा तीसरा क्रॉस हो गया। एक बार चौथा क्रॉस और करके देखते हैं। मान लेते हैं ब्लड ग्रुप बच्चे का फादर का क्या है? ए है। मदर का क्या है? बी है। एंड इसको हम हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, हेटरोजाइगस का मतलब क्या है कि जो इनके अंदर जीन होगी वो दो अलग अलग होगी, एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी। इसका भी हम हेटरोजाइगस केस के अंदर लेते हैं तो जो गैमेट बनेंगे वो यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे। एंड अगर हम अगली जनरेशन को देखेंगे तो अगली जनरेशन के अंदर जो क्रॉस होगा आई ए आई बी आई ए आई ओ आई बी आई ओ आई ओ और आई ओ। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? 25% चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो? ए बी हो। 25% चांस है उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो? बी हो। 25% चांस है उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो? ए। और 25% चांस है उसके ब्लड ग्रुप कैसा हो? ओ। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ओ के अलावा जो है कुछ नहीं आ सकता। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट क्रॉस जो है करके देख सकते हो। मान लो अगर चलो एक लास्ट का और कर लेते हैं। एक फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। और जो मदर है उसका भी ब्लड ग्रुप मान लेते हैं क्या है? ए बी। तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो अगर हम इस टाइप का अगर हम क्रॉस देखें तो गैमेट तो ऐसे ही बनने हैं भाई। अगर गैमेट ऐसे ही बनेंगे तो आगे चल के क्या हो सकता है? लेट्स सी। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आई ए एंड आई ए कैसा आ गया? ए ब्लड ग्रुप आ गया। आई ए और आई बी दूसरा, आई ए और आई बी, आई बी और आई बी। तो इसका मतलब क्या है? एक बार ए, दो बार ए बी ए बी और एक बार बी। तो इसका मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप 25% चांस है कैसा आ जाए? ए। 50% चांस है ब्लड ग्रुप कैसा आ जाए? ए बी। एंड 25% चांस है ब्लड ग्रुप कैसा आ जाए? बी। ठीक है, इसी तरीके से आप भी ढेर सारे जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप डिफरेंट क्रॉस करके देखोगे तो आपको भी अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं आप ऐसा करें कि आप अपने जो पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप ले एंड फिर देखें कि आपका ब्लड ग्रुप जो है क्या क्या आ सकता है एंड क्या आया है। आगे देखते हैं, क्या जो फीमेल है क्या वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो बेबी है यानी जो अपकमिंग जनरेशन है उसका सेक्स क्या हो? तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं भाई। हम अगर मेल है तो मेल इस वजह से है बिकॉज वी हैव ए क्रोमोजोम जिसको हम कहते हैं एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। नॉर्मली जो एक ह्यूमन है उस ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोजोम जो है वो जो पाए जाते हैं वो 46 पाए जाते हैं। एंड उस 46 में से 44 क्रोमोजोम उनको बोलते हैं ऑटोसोम। एंड जो 45 एंड 46 क्रोमोजोम है उसको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर उसको कहते हैं ऑटोसोम एलोसोम। ये जो 46 एंड 45 है वो एक्स और वाई जो है वो क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मेल होता है तो उस मेल का जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप हो सकता है क्या 44 प्लस में या तो एक्स एक्स सॉरी मेल है तो एक्स वाई, और अगर फीमेल है तो उसका जो जीनोटाइप होगा तो वो कैसा होगा 44 प्लस में एक्स एक्स। जीनोटाइप ना कहे तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई जब होने लग रहा है तो वहाँ पर जीन की बात नहीं होने लग रही, वहाँ पर क्रोमोजोम की बात होने लग रही है। तो अगर कोई मेल है तो उसके अंदर क्रोमोजोम कितने होंगे 44 प्लस में एक्स वाई होगा,
तो मेल मेल इस वजह से है क्योंकि एक्स वाई की क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा, मेल क्रोमोसोम, मेल सेक्स क्रोमोसोम, मेल तो लिखे ही ना, सेक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल है तो उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स एक्स होगा। तो आगे अगर गैमेट बनेगा तो उस गैमेट के अंदर इन दो में से केवल एक ही क्रोमोसोम जाएगा। तो एक गैमेट के अंदर यानी एक जो स्पर्म होगा उसके अंदर एक्स जाएगा और एक जो दूसरा जो गैमेट होगा उसके अंदर वाई क्रोमोसोम जाएगा। फीमेल जो होगी उसके अंदर एक एग के अंदर या एक्स ही जा सकता है क्योंकि वाई तो है ही नहीं। एंड आगे अगर हम एक स्पर्म की अगर इसके साथ अगर फ्यूजन होती है तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। इस स्पर्म की इसके साथ अगर फ्यूजन होती है तो क्या बनता है? एक्स एक्स। इसके साथ अगर फ्यूजन होती है तो जो अगली जनरेशन है उसके अंदर क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं एक्स वाई, और इसके अंदर अगर इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? एक्स वाई। तो यानी कि 50% चांसेज है कि क्या बनेगा? मेल, और 50% चांसेज है क्या बनेगा? फीमेल। तो मेल फीमेल की इस वजह से है क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम F1 जनरेशन के अंदर जो है क्यूमुलेट होने लग रहे हैं। एक्स वाई अगर हो जाए तो मेल जो होगा क्यूमुलेट हो जाए। तो यानी कि सेक्स डिटरमाइन करने वाला कौन है? सेक्स डिटरमाइन किसकी वजह से होने लग रहा है? वाई वाई क्रोमोसोम। एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट किसके अंदर है? वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल, हैंस मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉय चाइल्ड। ठीक है, तो नॉर्मली जो है सोसाइटी के अंदर इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई जो वुमेन जो है वो लड़का पैदा नहीं करने लग रही, लेकिन लड़का पैदा करता कौन है जब एक्स वाई क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं? लेकिन वाई क्रोमोसोम आएगा कहाँ से? वो तो मेल से आएगा। तो यानी रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेल है, फीमेल जो है वो नहीं है। तो ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है एंड फीमेल के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है इन चीज़ों के ऊपर। तो आप लोगों को इसी चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करनी है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया होगा। वैसे अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो उनके अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट जो है चलता है, जैसे कि टर्टल है, उनके अंदर अगर लो टेम्परेचर के अंदर अगर बच्चा जो है पलता है तो फिर उसके अंदर जो है मेल बनने की टेंडेंसी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो फीमेल जो है बनता है। लिजर्ड के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिले तब तो मेल कम मिले तो जो है फीमेल जो है वो बनती है। तो उनके अंदर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन हम चूंकि एक डिफरेंट स्पीसीज तो हमारे अंदर किसका कॉन्सेप्ट लगता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम का लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दें कि क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है, जीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई होप आपको जो है ये छोटी सी क्लास जो है समझ में आ गई होगी एंड चैप्टर भी जो है कम्प्लीट हो चुका है। सो अगर फिर भी अगर आपके डाउट है तो उसको कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।